बैक दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि लंदन में सैटरडे की ईद होगी, लेकिन आज रोज़ा है, ईद इंशाल्लाह संडे की है। तो आज मैंने सोचा मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी घर पे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी, क्योंकि डो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एट टाइम्स। तो चलिए पिज़्ज़ा डो बनाते हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लावर, ये है प्लेन फ्लावर 3 कप। आप अगर चाहें तो स्ट्रॉन्ग फ्लावर यूज़ करिएगा पिज़्ज़ा के लिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इधर है हमारे पास खमीर, दैट इज़ एक्टिव ईस्ट, ये है 1/4, तो 1 1/4 टीस्पून। फिर ये है शुगर 2 टीस्पून, ये है पिंक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, एनी ऑयल इज़ फाइन, और 1 कप वॉर्म वाटर। अभी मैंने लिया है ये वार्म वाटर 1 कप। आप याद रखिए कि पानी अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो ईस्ट आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। इसमें मैं डालूंगी ईस्ट, इसी में मैं डालूंगी शुगर। अच्छा, शुगर जो होती है वो ईस्ट के लिए खाने का काम करती है, उसका फूड है शुगर। और हमारा नमक, ठीक है, ये डाल के थोड़ा सा इसको स्टर कर लिया आपने। और इसी में अब मैं 1 कप फ्लावर डालूंगी। आपको सारा फ्लावर एक साथ मिक्स नहीं करना है। अब मैं इसको अपने केक मिक्सर में मिक्स करूंगी। अब मैं इसको मिक्स करूंगी, ये वाला इसका जो अटैचमेंट है वो लगाना है। इसको मैं 1 पे बिल्कुल हल्के से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, 30 सेकेंड्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली। अभी थोड़ी सी मिक्स हो गई है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ जो हमने निकाला था, ये 2 टेबल स्पून है। और इसमें मैं 1 कप और फ्लावर डालूंगी। हम मिक्स करेंगे थोड़ी तेज स्पीड पे। अब ये लास्ट का जो मैंने अनदर 30 सेकेंड्स इसको चला के लास्ट का जो फ्लावर बचा है वो भी डाल रही हूं मैं। ग्रेजुअली डालने से ये होता है कि आपका जो डो है वो अच्छी तरह से मिक्स होगा। आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के द डो इज कमिंग टुगेदर। देखिए हमारा डो तैयार है ऑलमोस्ट। ये आप अगर आपके पास केक मिक्सर नहीं है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा ना सख्त है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। जो हमारा डो है ये मैंने ज़रा निकाल लिया, मैं हल्का सा इसे नीट कर रही हूँ, ज़्यादा इसे नीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इस पॉइंट पे हम इसको खमीर होने के लिए, फ्रेगमेंट होने के लिए रखेंगे। हम इसको रखेंगे, आप थोड़ा सा ना बड़ा वो लीजिएगा बर्तन या बोल, ताकि खमीर को फैलने में जगह मिले। तो एक्टिवेट जब हो जाएगी ईस्ट तो ये डबल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा डालूंगी। और इसको मैं एक, आप ये कर सकते हैं, या तो ये माइक्रोवेव में रख दीजिए या अपने ओवन में रख दीजिए, ऐसी जगह जहां पे हवा ना पहुंचे। और इसको हमें कम से कम तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें इसे खमीर होने देना है। अब मैं इस पे, सॉरी मैं उस टाइम आपसे कपड़ा कह रही थी, मैं इस पे असल में क्लिंग फिल्म लगाऊंगी। तो क्लिंग फिल्म से ये होता है कि बिल्कुल टाइट हो जाता है,
हवा बिल्कुल नहीं जाएगी इसमें, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए और ईस्ट को बिल्कुल इतनी ऐसा एनवायरनमेंट क्लाइमेट मिलना चाहिए जिसमें वो एक्टिवेट हो सके। बस इसको अब रख दीजिए आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा ना हो। ये देखिए हमारा खमीर तैयार है। ये मैंने आपसे कहा था कि आप इसको बड़े बर्तन में रखिएगा, इसलिए ये देखिए अब ऑलमोस्ट डबल इन साइज़ हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट सा बेहतरीन डो तैयार हुआ है। अब इंशाल्लाह हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा पिज़्ज़ा डो तैयार है, तो ये अच्छे से इसका खमीर बन गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी इजी लगी होगी और आप इसको ट्राई करेंगे घर पे। अब इस पिज़्ज़ा डो का मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी जिसका मैं सेपरेटली लिंक डालूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मैं फिर जल्दी मिलूंगी। खुदा हाफिज़।